बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे और अल्लाह पाक आप सबको बेहतर रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आप सब पर, हमारे पाकिस्तान पर और पूरी दुनिया पर अल्लाह ताला की रहमत हो। दुनिया में जो बीमार है अल्लाह पाक उसको शफा दे, और जो परेशान है अल्लाह पाक उसकी परेशानी को दूर करे, आमीन। तो चले जी शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज हम बनाएंगे डेट्स के लड्डू, यानी कि जो खजूरें होती हैं उनसे हम लड्डू तैयार करेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम चीज़ें लेंगे वह खजूरें हमने ली हैं, तकरीबन 30-32 हमने खजूरों के पीस लिए हैं, और 4 टेबलस्पून हमने लिया जी मिल्क पाउडर, और 1 टेबलस्पून हमने लिए चार मग्स जो बीज होते हैं ना खरबूजे वगैरह के वो, और 4 टेबलस्पून हमने कोकोनट का वो यानी क्रश कोकोनट है ना वो हमने लिए हैं। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे और सारे खजूरें इसमें डालेंगे। खजूरों को अच्छी तरह धो के और इनकी गुठलियाँ निकाल लें। तो जब आप इनको धोते हैं, इनकी गुठलियाँ निकालते हैं ना, तो ये धोने से काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। तो हम अच्छी तरह इनको पहले ना मलेंगे। देखें कितनी सॉफ्ट है, फ्रेश हैं, देखें बड़ी आसानी से ये मिक्स हो जाती हैं। तो अच्छी तरह हम इनको मिक्स करेंगे पहले। ये देखें बड़ी आसानी से मिक्स हो गई हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 5 टेबलस्पून हमने क्रश नारियल डाले जो हमने घर में तैयार किया था, देखें बिल्कुल फ्रेश है। इन सब चीज़ों को भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखें अच्छी तरह हमने नारियल भी मिक्स कर दिया। अब ये 4 मग्स है, इनको अच्छी तरह धो के आप इसको खुशा कर लें और वो भी शामिल कर दें। इनको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें इसकी कितनी खूबसूरत लुक है, ऐसा लग रहा है जैसे सोन हलवा होता है। अच्छा ये देखें सब कुछ हमने मिक्स कर दिया है, और ये हमारे पास है जी नारियल पिसा हुआ, और ये हमारे पास थोड़ा सा है मिल्क पाउडर। तो हम इसके करेंगे लड्डू तैयार। हाथों को पहले थोड़ा सा आप पानी लगा लें और फिर इसको शुरू करें। कितने खूबसूरत लड्डू तैयार हो गए, ठीक है। और अब हम इसको क्या करेंगे, नारियल में मिक्स करेंगे, ठीक है। नारियल भी नज़र आ रहे हैं और अंदर जो हमने डाला है 4 मग वो भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम तैयार करने के बाद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखें इसी तरह हम दूसरा तैयार करेंगे। इसी तरह मैंने दूसरा तैयार कर लिया, ठीक है। और ये हमारे पास है मिल्क पाउडर, तो इसके ऊपर हम लगाएंगे मिल्क पाउडर। पहले के ऊपर हमने नारियल लगाया है और दूसरे के ऊपर मिल्क पाउडर। एक तो खूबसूरत लगेगी और दूसरा टेस्ट भी डिफरेंट होगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ये भी हम रख देंगे। इसी तरह मैं सारे तैयार करूँगी, दूसरा भी तैयार करेंगे हम। बहुत ही आसानी से ना ये बन जाता है, सस्ती और टिकाऊ रेसिपी है और टेस्ट में नंबर वन है। दोबारा फिर हम एक नारियल का तैयार करेंगे। दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, नारियल में भी और मिल्क पाउडर में भी, ठीक है। तो ये भी हम ये रखते जाएंगे। मिल्क पाउडर लगाएंगे हम, और तो इसी तरह मैं सारे तैयार करके फिर आपसे मिलती हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हो गई है, बिल्कुल शॉर्ट टाइम में बन जाती है और टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार है। अपनी फैमिली के साथ बनाएं रेसिपी और इसको बना के खाएं, एंजॉय करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और खुश रहें और सबको खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।